जिला खंडवा ग्राम भोजा खेड़ी में स्थित 300 वर्ष पुरानी कौमी एकता का प्रतीक हजरत महमूब शाह सैलानी रहमतुल्ला अलहे की दरगाह है, जहां फोरलेन नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा दरगाह को हटाए जाने की बात कही जा रही है। दरगाह अपनी जगह यथावत रहे, इसीलिए जिला खंडवा के नागरिक गणों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि दरगाह को वहीं पर यथावत रहने दिया जाए। समाज सेवी आदिल मंसूरी ने बताया कि दरगाह के दोनों तरफ काफी जगह है, यहाँ से रोड आसानी से निकाला जा सकता है और इस दरगाह के ऊपर ब्रिज बनाया भी जा सकता है। इस दरगाह से सर्वधर्म के सभी लोग शिफा हासिल करते हैं। खंडवा जिले के कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया, संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। मध्य प्रदेश जिला खंडवा ग्राम भोजा खेड़ी के नागरिक गण आदरणीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय परिवहन मंत्री भारत सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हम समस्त नागरिक गण आपसे मांग करते हैं, भोजा खेड़ी जो कि खंडवा जिला का एक ग्राम है, यहाँ एक 300 वर्ष पुरानी मजारा हजरत महमूब शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौजूद है, यहाँ पर फोर लेन का निर्माण किया जा रहा है। फोर लेन के निर्माण के प्रोसेस में संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से हमें ये जानकारी मिली है कि मजारात को यहाँ से हटाया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम आपको एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मजारात है, सर्वधर्म समाज हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो मजारात से श्रद्धा रखते हैं, अकीदत रखते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा है कि जब इस मजारत के पास से, जो कि ये इंदौर रोड के साइड इंदौर रोड पर मौजूद है, कोई भी ट्रक बस जो ड्राइवर यहाँ से गुजरता है, वो किसी भी समुदाय का या धर्म का हो, बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पर रुक कर वो अपने फूल बोलो अगरबत्ती से अपनी श्रद्धा को पेश करता है, वो फिर आगे गुजरता है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप एक बहुत ही टैलेंटेड मंत्री हो, परिवहन और राजमार्ग आपके पास में मंत्रालय, रोड निर्माण करवाना, देश भर में आपने बहुत से ब्रिजों का भी निर्माण कराया हम ये जानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हम समस्त ग्राम भोजा खेड़ी और खंडवा जिले के नागरिक आपसे ये मांग करते हैं कि जो फोर लेन के प्रोसेस में मजारात हटाया जाने का जो मामला आ रहा है, आप ऐसा कोई अल्टरनेट निकालिए। ये जो मजारात है, मैं आपको मजारात दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर इसके साइड से आजू बाजू में काफी जगह है, आप ये आजू बाजू से भी जगह जो है निकाल सकते हैं। और जो मुआवजा देने की बात की जा रही है मजारत के लिए, 13 लाख रुपए मुआवजे की बात भी की गई कि हम आपको दे रहे हैं प्रशासन की ओर से, तो हम ये आपसे डिमांड करते हैं कि वो जो पैसा है, और यहाँ पर बहुत से भी जो श्रद्धालु जो अकीदत रखने वाले हैं मजारत से बाहर से, वो और पैसे देने के लिए तैयार है कि आप वो पैसों को लगे तो ऊपर से ब्रिज निकाल दीजिए, उस पर लगा दीजिए, ये आपको जो बेटर से बेटर लगता है तो आप वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम समस्त भोजा खेड़ी को खंडवा जिले के जो नागरिक आपसे डिमांड करते हैं कि आप मजारत को यहाँ पर यथावत रहने दीजिए, वो फोर लेन के प्रोसेस में ये मजारत को नहीं हटाइए। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू मिस्टर नितिन गडकरी जी और मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी भावनाओं को और श्रद्धाओं को समझोगे और ये मजारत को यहाँ पर यथावत रहने दोगे। सादिक खान की रिपोर्ट।